आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी ने मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और आतिशी ने कहा है कि आज पूरा देश बीजेपी और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवना द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बारे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता था तो उसे टिकट क्यों दिया गया है। मोदी जी ने कहा कि प्रज्वल रेवना को पड़ने वाला वोट मोदी को मजबूत करेगा, तो क्या प्रज्वल रेवना के दुष्कर्मों के लिए मोदी भी जवाबदेह हैं? मोदी जी बताएं कि प्रज्वल रेवना विदेश कैसे भाग गया। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और विभत्स चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रज्वल रेवना के दुष्कर्मों का, एक महिला के साथ नहीं, दो महिलाओं के साथ नहीं, हजारों महिलाओं के साथ किए गए दुष्कर्मों का जवाब देना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि इन दुष्कर्मों के बारे में आपको पता था, आपके पार्टी के नेताओं ने इस पर चिट्ठियां लिखी थी, लेकिन इतने दुष्कर्मों के बारे में पता होने के बावजूद आपने प्रज्वल रेवना को टिकट क्यों दिया? दूसरे सवाल का जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवना का प्रचार करने क्यों गए? उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवना को पड़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवना को पड़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कर रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि क्या वो प्रज्वल रेवन्ना के हर दुष्कर्म के लिए भी जवाब दे हैं, अगर उसका हर वोट मांग रहे थे। जो तीसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से देश पूछ रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वाला आदमी देश छोड़ के कैसे भाग गया? आपकी पूरी केंद्र सरकार, आपका पूरा कस्टम्स, आपका पूरा एयरपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट, आपका पूरा CRPF, आपका पूरा एयरपोर्ट पुलिस फोर्स, ये सब होने के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना देश से कैसे भाग गया? इसलिए भाग गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है उसके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है उसके पास। और ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ये घिनौना रूप सामने आया है। ये वही बृजभूषण शरण की पार्टी है, ये वही कुलदीप सिंगर की पार्टी है, ये वही मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने पर चुप रहने वाली पार्टी है, ये वही पार्टी है जो हाथरस में बलात्कारियों की रक्षा करने के सामने आती है। तो आज देश की हर महिला को पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को दिया गया एक एक वोट बलात्कारियों को जा रहा है, दुष्कर्मियों को जा रहा है। ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें JDS से निलंबित किया जा सकता है जब से केस दर्ज हुआ है, लेकिन उनके पिता उनके बचाव में है जो कुमार स्वामी, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले जानबूझ के एक ऑपोजिशन सेक्शन द्वारा इसे लेकर सवाल उठाया गया, चुनाव से ठीक दिन पहले जब वोटिंग होनी है, इसमें कहीं ना कोई कुछ षड्यंत्र है, कुछ साजिश की दुआ थी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले ये पता था, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने अपनी पार्टी की लीडरशिप को लिख के भेजा था। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल केला कब खाता है, मिठाई कब खाते हैं, चाय कब पीते हैं। उनको ये नहीं पता था कि जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने जा रहे हैं उसने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है और यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किया है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।